ऑफिस का टैक्सी आ गई है, अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉप पे। हेलो सॉरी, नो इट्स फाइन, आई जस्ट केम, आई जस्ट केम 2 मिनट्स अगो, आई वेंट, नाउ वी आर गोइंग टू एल्विस्टर, वी आर गोइंग टू द अलाबास्टर, अलाबास्टर ओके, तो हम यहां के गांव में जा रहे हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर, देख सकते हो आप वो द ग्रीन एंड वी आर इन द डेजर्ट ग्रीनरी अप द टॉप। अभी हम लोग डेजर्ट में, अभी वो ग्रीनरी है, वहां जा रहे हैं गांव की तरफ। तो वो लोग जो हैं, ये वो लोग बहुत मदद किए यहाँ के, जितने भी टूम्स, जितने भी मकबरे और जितने भी कबर और उसे मिले हैं ना फिराइन लोग अंदर नीचे ज़मीन से, तो उन लोग बहुत मदद किए निकालने ढूंढने में, क्योंकि वो लोग यहाँ रहते थे, वो यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो उन लोग बहुत अच्छे जानते हैं एरिया में, तो उनके पास चलेंगे, वो उनके गाँव में उनसे विजिट करेंगे, उनसे मिलेंगे, देखते सारी चीज़ें, देख सकते हो ये हरियाली जहाँ है वहीं है उनका गाँव, ये वहाँ रहते हैं। This is tombs also. तो आप देख सकते हो भाई, ये जो टूटे टूटे घर हैं, यहाँ बहुत सारे टूम्स भी मिलते हैं, और यहाँ पहले के लोग जो नॉर्मल लोग रहते थे, राजा तो महल में रहते थे, तो आप देख सकते हो मकबरे और घर हैं पुराने पुराने, सब टूटे टूटे थे, खत्म हो गया इधर पे। This is Alabaster village. All same, you know. Same houses. All same work, also same thing. From grandfathers. तब हम आ चुके हमारे दूसरे स्टॉप पे, ये Alabaster village है। यहाँ लोग कैसे स्टैचूज बनाते, कैसे पुतले बनाते हैं वो देखने आए हैं हम। अब देख सकते पीछे बना भी रहे हैं, तो इनसे मिलेंगे, बताएंगे कैसे क्या है। और देखो इनके ऐसे टाइप के घर रहते हैं, तो ये वही लोग हैं जो यहाँ, मतलब इनकी पीढ़ियाँ जो थी फिरौन के यहाँ रहते थे, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। तो देखते हैं इनके घर और सारी चीज़ें, देख सकते हो कैसे बना रहे हैं। Very famous place. Once you visit Muksum Museum, you're gonna find many statues and many things. Came out of here. तो देख सकते हो आप, ये जो चीज़ें यहाँ से, बहुत सारी चीज़ें जो निकली है वो लक्ज़ोर म्यूजियम में रखी हुई है, वो यहाँ से निकली हुई है। As you can see, alabaster stone, 3 different color. White, brown, and the green. Alabaster stone, big blocks like this, we bring it behind the palace of the king, 60 kilometers. तो ये white वाला valleys of the king से आता है, white वाला जो alabaster होते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, तो देख सकते हो वहाँ एक बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है। Using camel and the wood. First step, the artist using the camel, as how you can see. For mirroring or shaping a vase, a statue, blade, the nash tree, a pyramid, an obelisk. It's all depends on what the artist has been asked to be made in. Right? First thing, using the camel for 7 days. Okay. A piece of stone. After the shape, what they made for a week, we use this special tool. You can see we have all these tools. It's exactly exist in the Egyptian Museum. Okay. In Cairo. Because in the ancient times they used to shape these vases to life. This is an ancient court. Made out of basalt stone. Basalt stone is a very tough kind of stone. We will use a special sharp tools so he can scratch on this stone. That's how you can see. It's not easy to be done. For example, he's making it. तो पूरी चीज़ें समझाने के बाद कि कैसे बनता है, क्या बनता है, कहाँ से पत्थर लाते हैं,
अब आ चुके हैं अंदर जहाँ सारी चीज़ें बनी हुई रखी हुई है। तो देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगा तो हम लेंगे। पूरा रूम आप देख सकते हो पूरा फुल है, तो अगर कुछ अच्छा लगा तो हम लेते हैं। देखते हैं यहाँ, ये जो आप देख रहे हो ये टूटा नहीं है, ये एक ही पत्थर में से पूरा बना हुआ काफ करके, तो काफ़ी सही है। तो ये भाई फ़र्क बता रहे हैं कि लाइमस्टोन जी ये जो है ये लाइमस्टोन का होता है, इसको अगर लाइट में ऐसा डालेंगे आप तो इसमें कुछ नहीं होता है, बट अगर एलेबेस्टर स्टोन को अगर आप लेके लाइट के अंदर डालेंगे तो आप इसका कलर देख सकते हो कि कैसा चेंज हो जाता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि कौन सा लाइमस्टोन है कौन सा एलेबेस्टर है। तो ये एलेबेस्टर है और ये लाइमस्टोन है ऐसा, और ये वाइट वाला एलेबेस्टर देखिए, इसको ऐसा जब लाइट में डालेंगे तो ये पूरा ग्लो करता है अंदर का, पत्थर होने के बाद भी पूरा बाहर का दिखता है, लाइमस्टोन में ऐसा नहीं दिखता है। देख सकते हो ये ग्रीन वाला है। हाँ, तो ये छोटा सा पिरामिड जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया है। देख सकते हो आप इसमें नाम जो मैंने बताया वो नाम लिख रहे हैं। देखिए देख सकते हो मैं यहाँ से ये लिया हूँ, ये अपने मेरे अब्बू का नाम, और यहाँ पत्थर जो है ओरिजिनल यहाँ का है, मतलब और कहीं मिलता नहीं है, तो ठीक है एक ऐसा सुवेनियर। तो भाई यहाँ से एक चीज़ लेके निकलते हैं अभी, और यहाँ नमाज़ भी पढ़े और काफ़ी अच्छा था, देख सकते हैं यहाँ बना रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे तीसरे स्टॉप, तो सुताहा भी रेडी है, तो मिलते हैं आपको अपने तीसरे स्टॉप पे। तो भाई वहाँ से निकल चुके हैं, वहाँ आराम से बहुत ज़्यादा टाइम थे, वहाँ नमाज़ पढ़े, मैं नमाज़ पढ़ाया, उसके बाद दो बार तो चाय पिलाई भाई, पानी की बॉटल दी, मतलब 300 का नहीं दिया मुझे, 220 का ही दे दिए वो, और काफ़ी अच्छा सुवेनियर, क्या चाहिए अब 220 में मिलेगा क्या, 1100 रुपये बनते हैं जो कि ठीक है। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टॉप आज के। हाँ, तो बज गए हैं अभी दोपहर के डेढ़ बज रहे हैं, कैसे 4 घंटा चले गया मालूम ही नहीं पड़ा, तो काफ़ी सही टाइम गया। और पहले ऐसे लोग हैं जो इजिप्शियन मुझे मतलब सेटिस्फाई हुआ, ऐसा नहीं कि लूटने की कोशिश की है या फिर ज़्यादा कुछ किए, पिरामिड्स जैसा था उस पर नाम लिखे और सब बाकी चीज़ें, तो ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे डेस्टिनेशन।